अय मिगणा नमस्करा स्वागत व्याहराम ऐ मिगणाडिओ मधुमनसणमे लीना मेहंदळे पुनः एक उपस्थिता अमि प्रस्तुत करा अकं प्रियकार्यक्रम पठामी संस्कृत अय मिगणा गतरविवासरे वेगळी पातंजलयोगसूत्रे द्वितीयपादस्य अर्थात साधन आरंभ अकुव अद्य चतुर्थ सूत्र से आरंभ करोमी शुण्व तो अर्थात हे मित्रगण रेडियो मधुबन के श्रवण मंच पर मैं लीना मेहंदे सबका स्वागत करती हूँ सबको नमस्कार करती हूँ और पिछले रविवार हमने पतंजल योग सूत्र के दूसरे अध्याय अर्थात साधन पाद का आरंभ किया था उसके तीन सूत्र भी पढ़े थे तो आज मैं चौथे सूत्र से आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम आरंभ करती हूँ आओ सुनते हैं चौथा सूत्र कहता है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेष्याम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम अर्थात अविद्या के विषय में बता रहे हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम उत्तर अर्थात जो बाद में आता है तो तीसरे सूत्र में जो क्लेश हैं पांच प्रकार के उनका वर्णन किया गया था इस प्रकार अविद्या अविद्यास्मिता रागद्वेशभिनेश क्लेशा हा। अर्थात क्लेश कौन है कि अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश तो अविद्या के पश्चात जो बाकी चार क्लेश बताए गए हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है उत्तरेषाम अर्थात अविद्या के पश्चात जो क्लेश बताए गए उन क्लेशों के विषय में कहते हैं कि उन क्लेशों का क्षेत्र अर्थात उन क्लेशों को उपजाने वाला खेत वह अविद्या है अर्थात अविद्या से ही बाकी चारों क्लेश उपजते हैं और वे क्लेश जब उत्पन्न होते हैं तो उनकी स्थितियां क्या होती है वह आगे कहा है कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम तो ये उदाराणाम से पता चलता है कि इन सभी शब्दों के लिए षष्ठी की विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि उनका क्षेत्र अविद्या है और उनकी स्थिति कैसी है तो कभी वे प्रसुप्त अर्थात निद्रा अवस्था में होते हैं कुछ नहीं करते बस पड़े रहते हैं कभी वे तनु अर्थात छोटे होते हैं कभी विच्छिन्न अर्थात टूटे फूटे रूप में होते हैं और कभी उदार अर्थात पूरी तरह से विकसित पूरा अपना प्रभाव दिखाने वाले इस प्रकार ये चारों क्लेश होते हैं और उन्हें उत्पन्न करने वाला क्षेत्र अविद्या है तो अविद्या के क्षेत्र में अविद्या के खेत में यह प्रसुप्त अर्थात बीज रूप से रहते हैं जैसे हम अस्मिता का उदाहरण लेकर के देखें तो अस्मिता जब बीज रूप में होगी प्रसुप्त अवस्था में होगी तब वह कोई कार्य नहीं करती केवल उसका अस्तित्व बना रहता है लेकिन जब वह थोड़ा सा प्रस्फुटित होकर अंकुरित होकर तनु भाव को अर्थात छोटे अंकुर के रूप में उत्पन्न होती है तब वह वासना का रूप धारण करती है अर्थात मैं हूँ और मुझे यह चाहिए फिर जब यह भाव आता है कि यह मैंने किया या मैंने नहीं किया या मुझे ये करना है ये मैं कर चुका हूँ ये मुझे और करना है तो इस प्रकार की जो अवस्था है जब कुछ आकांक्षाएं पूरी होने का सुख है और कुछ का भी सुख बाकी है यह विच्छिन्न अवस्था है इसका एक उदाहरण भगवद्गीता में है जहाँ पर कहा गया है कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता कामोपभोग लेने में सक्षम है कामोपभोग परमा यह अस्मिता का प्रसुप्त स्वरूप है जबकि आशापाशत यह उसकी तनु अवस्था है उसी गीता के अगले श्लोक में कहा है अनेक चित्त विभ्रांता और मोहजाल समावृता तो ये दोनों अवस्थाएं जो हैं यह अस्मिता की विच्छिन्न अवस्था बताती हैं और प्रसक्त काम भोगेशु अर्थात काम भोग में पूरी तरह से डूबा हुआ यह उस अस्मिता की उदार अवस्था है तो इसी प्रकार राग द्वेष और अभिनिवेश की भी चार अवस्थाएं और ये सारे के सारे अविद्या से उत्पन्न होते हैं अब अगला सूत्र कहता है अनितनात्म सुत्युचि सुखात्म फिर एक बार अविद्या के विषय में बताया है कि अनित्य अशुचि दुख और अनात्म तो जो अनित्य है अशुचि है दुख है और अनात्म है उसी को नित्य मानना शुचि मानना सुख मानना और आत्म मानना यही है अविद्या फिर से सुनो अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म अर्थात जो अनित्य है उसको नित्य मानना जो अशुचि है अर्थात अशुद्ध है उसे शुचि अर्थात शुद्ध मानना जो दुख है उसे ही सुख मानना और जो अनात्म है उसे आत्म मानना अब अनात्म क्या होता है जो आत्मा से संबंधित नहीं है जो शारीरिक है या आधि भौतिक है उसी को आत्म मान लेना अर्थात उसी से प्रीति रखना यही है अविद्या के लक्षण इति ख्याति अविद्या ऐसे अविद्या के लक्षण हैं। अगला सूत्र कहते हैं दृग्दर्शन वास्मिता पहले इसका संधि विग्रह देखते हैं द्रुग्दर्शन शक्त्यो एकात्मता इव अस्मिता तो द्रुग्दर्शन शक्त्यो हो यह द्विवचन है तो दो शक्तियों के विषय में बताया है द्रुक शक्ति और दर्शन शक्ति तो द्रुक्शक्ति क्या है जो देखने वाला है उसे द्रुक्शक्ति कहा गया है और दर्शन शक्ति क्या है कि जो हम देख रहे हैं उसे समझ पाना उसका आकलन होना वह शक्ति तो दृष्टा देखता है और जो भी वह आँखों से देखता है उसे मन के कारण वह ग्रहण करता है मन के कारण उसका आकलन कर पाता है तो यह देखने वाला दृष्टा जो आत्मा है और यह जो मन है इन दोनों शक्तियों को एकात्म अर्थात एक ही मान लेना यही अस्मिता है और वह क्लेशकारक होती है ऐसा योग का तत्वज्ञान बताता है और उसी को यहाँ पर पतंजलि मुनि ने सूत्र में पिरोया है सूत्र के रूप में हमें बताया है तो मित्रों आज मैं यहाँ समाप्त करती हूँ अगले रविवार को फिर उपस्थित होती हूँ तुम सुनते रहो पठामी संस्कृतम सुनते रहो रेडियो मधुबन मुस्कुराते रहो नमस्कार